नहीं है। सेठी जी मैं चाहूंगा कि आप भी इस डिस्कशन में आपको लाना चाहूंगा। अभी बात कह रहे थे ये फोन जिंदा है, 14 में से 5 मिल गए, 9 जिंदा है, वो फोन जिंदा होंगे, लेकिन फोन में एविडेंस जरूरी नहीं है ना। सीबीआई के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि उस फोन की आत्मा जो क्लाउड में होती है वहां से उन्होंने रिकॉर्ड्स निकाल लिए हैं, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधा सीधा साफ साफ जवाब कि हमने संजय महेंद्रू से फेस टाइम पे बात नहीं की, हमने इससे नहीं मुलाकात की, हमने उससे मुलाकात नहीं की जो भी आरोपी हैं, ये साफ साफ वाली बात तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आई ही नहीं। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी किसी चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट कर देती है जी, 14 फोन पकड़े गए, 14 फोन इन्होंने बदल लिए, अब उसके बाद ये पता लगता है कि 5 फोन तो इंपाउंड करें, 5 फोन तो जो सीबीआई ने और ईडी ने इंपाउंड करे हैं, बाकी उनके किसी घर में काम करने वाले लोगों के फोन की लिस्ट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से किसी चीज को प्रोपेगेंडा करती है कि जैसे आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, बीजेपी क्या उठा रही है, आप भी तो उसी एंगल में उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा कि हमने नहीं किया फेस टाइम पे बात, हम नहीं मिले संजय महेंद्रू से, हम ये जितने भी आरोपी सीबीआई निकाली उसको लेकर बातचीत नहीं हो रही है, बीजेपी हाईलाइट कर रही है, करेगी नहीं। उन्होंने कहा कि जो ईडी के अंदर जो एक व्यक्ति जिसका नाम चंदन रेड्डी है उसके कान का पर्दा फाड़ दिया, समीर रेड्डी ने वहां जाकर कोर्ट में ये बोला कि मेरे से जबरदस्ती इन्होंने बयान लिखवाया है, ये सारी चीजें भी तो क्लियर करी गई है ना। अब आप देखिए, मैं अभी एनडीटीवी में कल देख रहा था जो पूर्व सीबीआई डायरेक्टर थे एपी सिंह, उन्होंने कहा कि सीधा सा सवाल और उसका जवाब भी बहुत सीधा होना चाहिए ना, ये जलेबी की तरह घुमाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। परविंदर जी, 5 सेकंड की बात करना चाहता हूं मैं। उन्होंने ये कहा अगर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई बात पूछताछ करनी हो, ना उनका एफआईआर में नाम है ना चार्जशीट के अंदर नाम है, तो हम उनके उनके ऑफिस में जाके उनसे ठीक है। हरीश खुराना जी, अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके